हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, मलाई में से मक्खन निकालेंगे, वो भी हम चम्मच से निकालेंगे। बहुत ही इजीली निकल जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा आपको। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबाना भूलिएगा नहीं। तो आइए हम निकालते हैं मलाई में से मक्खन। मलाई है ये हमारी, अभी हम मक्खन कढ़ाई में डालेंगे। इस तरीके से आप मलाई में से मक्खन निकालेंगे तो बहुत ही इजीली निकल आएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही फटाफट निकल आएगा। इसको ऐसे तरीके से चलाइए, हल्के हल्के हाथ से चलाते रहिए। हल्के हाथ से चलाते रहिए इसको। इसको हम कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम इसको चम्मच से बना रहे हैं, मलाई में से मक्खन निकाल रहे हैं, ना तो हमने इसमें रही का इस्तेमाल किया है। इसको कम से कम 5 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। देखिए 5 मिनट तक हमने चलाया था इसको, देखिए ये मक्खन निकल आया है। देखिए कितने अच्छी तरीके से मक्खन निकला है, वो भी हमने चम्मच से निकाला है, कोई टाइम नहीं लगा, फटाफट मक्खन निकल आया है। इसको हम इसमें निकालेंगे, हल्के हल्के हाथ से इसको निचोड़िए ऐसे। ये देखिए मक्खन निकल आया है मलाई में से, कोई टाइम नहीं लगा है, 5 मिनट में निकल के तैयार है मक्खन। देखिए मलाई में से मक्खन निकल के तैयार है बिल्कुल। इस तरीके से आप अपने घर में भी मलाई में से मक्खन निकालिए चम्मच से, बहुत ही फटाफट निकल आएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों आगे भी आपको मेरे चैनल पर अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।